MiG-21 एक सुपरसोनिक जेट लड़ाकू और इंटरसेप्टर विमान है जिसे सोवियत संघ ने म्यूकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया था। MiG-21 को पहली बार 1959 में पेश किया गया। इसे भारतीय वायुसेना समेत दुनिया भर की कई सेनाएं इस्तेमाल करती हैं। MiG-21 के नाम कई अनोखे रिकॉर्ड हैं। यह एविएशन हिस्ट्री का सबसे ज्यादा बनाया गया सुपरसोनिक जेट एयरक्राफ्ट है। MiG-21 को कोरियन वॉर के बाद सबसे ज्यादा निर्मित किया गया। इसका प्रोडक्शन साल 1959 से लेकर 1985 तक होता रहा। MiG-21 की अधिकतम गति लगभग 2 मैक है जो ध्वनि की गति से दोगुनी है। हालांकि इससे जुड़े हादसे इतने हो चुके हैं कि अब इसे फ्लाइंग कॉफिन यानी कि उड़ता ताबूत कहा जाता है। भारत ने जब 1971 और 1999 में पाकिस्तान से जंग जीती तब वायुसेना के लिए MiG-21 रक्षा कवच था। साल 1961 में भारत ने रूस से इन विमानों को खरीदने के लिए डील की। इस डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी थी। इन विमानों को भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया। MiG-21 एक हल्का सिंगल पायलट लड़ाकू विमान है। भारतीय वायुसेना 1960 के दशक से MiG-21 को अपने बेड़े में शामिल किए हुए है। 1965-1971 की भारत पाकिस्तान जंग और 1999 के कारगिल युद्ध में MiG-21 भारतीय वायुसेना की ढाल बना रहा। आए दिन MiG-21 हादसे का शिकार होता रहता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 6 दशकों में कुल 500 बार MiG-21 हादसे का शिकार हुआ जिसमें करीब 200 पायलटों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालिया हादसा मई 2023 में हुआ जब MiG-21 राजस्थान में एक छत पर गिरा जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। MiG-21 एक पुराना एयरक्राफ्ट है जिसने पहली बार 1950 के दशक में उड़ान भरी थी और कंपनी ने आखिरी बार इसका उत्पादन 1980 के दशक में किया। पुराने लड़ाकू विमान में सुरक्षा के इंतजाम आज के हिसाब से अपडेट नहीं है। MiG-21 को खराब मौसम में उड़ाना चुनौतीपूर्ण है जो होने वाले हादसों की एक मुख्य वजह भी है। चूंकि कंपनी ने 80 के दशक में इसका उत्पादन बंद कर दिया इसलिए इसका मेंटेनेंस भी थोड़ा मुश्किल है। इसके स्पेयर पार्ट्स आसानी से नहीं मिलते हैं। भारतीय वायुसेना को अभी 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है लेकिन अभी उसके पास 32 स्क्वाड्रन ही हैं। पिछले साल रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है लेकिन इससे बहुत कम उपलब्ध हैं। आने वाले सालों में पुराने विमान भी रिटायर हो जाएंगे जिससे स्क्वाड्रन और कम हो जाएंगे। इस समय भारतीय वायुसेना के पास MiG-21 की 3 स्क्वाड्रन हैं। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 विमान होते हैं। कुल मिलाकर वायुसेना के पास लगभग 50 MiG-21 विमान हैं। वायुसेना से 3 साल में MiG-21 के स्क्वाड्रन को फेज आउट कर दिया जाएगा। अभी भारतीय सेना के पास 160 से 180 विमानों की पहले से ही कमी है। अगर MiG-21 स्क्वाड्रन को भी हटा दिया जाए तो 50 विमानों की कमी और हो जाएगी। 4 जनवरी 2019 को संसद में राफेल डील पर चर्चा के दौरान तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था चीन ने 2004 से 2015 तक 400 लड़ाकू विमान जोड़े हैं। वहीं पाकिस्तान ने भी F-16 की संख्या दोगुनी की, साथ ही 43 JF-17 को शामिल किया। उन्होंने बताया था कि 2004 में भारतीय वायुसेना के पास जहां 40 स्क्वाड्रन थे वहीं 2015 तक इनकी संख्या घटकर 33 हो गई। भारतीय वायुसेना के पास अभी सुखोई 30 MKI के 12 स्क्वाड्रन, जगुआर के 6 स्क्वाड्रन, MiG-21 के 3 स्क्वाड्रन, मिराज 2000 के 3 स्क्वाड्रन, MiG-29 UPG के 3 स्क्वाड्रन, LCA के 2 स्क्वाड्रन और राफेल के 2 स्क्वाड्रन हैं। भारत सरकार इस पर 3 तरह से काम कर रही है। भारत की वायुसेना में जल्द ही 114 नए लड़ाकू विमान शामिल होंगे जिसमें फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान होंगे। इसके अलावा भारत ने अमेरिका, रूस और स्वीडन से भी विमान खरीदने के बारे में बात की है। भारत पुराने विमानों को भी अपग्रेड कर रहा है जिसमें सुखोई, मिराज, MiG-29 लड़ाकू विमान शामिल हैं। इसके अलावा भारत देश में निर्मित लड़ाकू विमानों पर भी जोर दे रहा है। भारत ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 100 तेजस फ्लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने का अनुबंध किया है। सरकार भविष्य में देश में ही एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाना चाहती है।